Hey guys, welcome back to the channel. This is your friend Vishu from Cycle Rider Roy. And in this video, I will be showing you how you can easily repaint your MTB bike frame. If you are following me on my Instagram handle, then you definitely know that few days back, I removed the entire color of this MTB frame. And ये मेरे Scott scale का frame है, जो मैंने Scott की bike build की थी. And this is the first time even I am trying to repaint a frame. So जो भी steps मैं आपके साथ share करूँगा वो 100% मैंने भी पहली बार try किए हैं. So आप भी उनको definitely try कर सकते हो. The sanding part is really important because इससे क्या होता है कि आपके bike में अगर कहीं पे भी कुछ rough edges होंगे या rough paint का पूरा दाग वगैरह होगा उसको remove करने में काफ़ी help मिलता है. Now before we move on to the next step, we need to cover all the open areas like ये headset and ये bottom bracket है. उसके साथ साथ आपके यहाँ पे bottle holder के screws होंगे and इस तरीके के bolt लगाने के आपके काफ़ी areas होंगे. Make sure you cover all these with some tape या कुछ cloth लगा के आप इन areas को अच्छे तरीके से cover कर दो. So the next step which I am going to follow is definitely going to be the priming. Now primer को apply करना बहुत ही ज़्यादा important है because उससे आपका जो frame है उसमें paint काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ता है, paint का shine काफ़ी अच्छे तरीके से आता है and primer की help से एक surface layer तैयार होती है आपके frame के ऊपर जिससे आपका जो frame है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है. आप चाहो तो without primer भी कर सकते हो बट अगर आप विथ प्राइमर अगर आप पेंट को करते हो तो आपका जो फ्रेम है उसमें कलर काफ़ी अच्छे तरीके से आएगा. सो चलो प्राइमर को इसमें अप्लाई करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. सो आई एम यूजिंग दिस सामुराई कुरोबुशी सर्फेसर. इट्स अ प्राइमर विच आई विल बी अप्लाइंग टू दिस फ्रेम. आई विल प्रोवाइड यू ऑल द बाइंग लिंक्स जिन प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ. सो लेट्स डू दिस. Alright guys, so you can see जो priming था वो मैंने कर दिया है. primer को पूरे तरीके से मैंने अच्छे तरीके से इसमें कर दिया है spray. I don't know if you guys are able to see here or not, but आप देख सकते हो कि कुछ कुछ जगह पे जैसे ज़्यादा ज़्यादा करके primer लग गया है तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ज़्यादा वो accumulate हो गया है. That is when the next step जिसमें हम लोग इसको sanding करेंगे उसमें इसको पूरा smooth किया जाएगा. As you can see यहाँ पर थोड़ा सा देखो primer रह गया है तो इसको sand करके हमको smooth करना होगा. तो प्राइमर का स्टेप कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से एंड प्राइमर अब पूरा सूख चुका है. मैंने उसको ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया था फ्रेम के ऊपर लगाने के बाद. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ मैं इस 1000 ग्रिट के सैंड पेपर से इसको करूँगा थोड़ा सा सैंडिंग ताकि जहाँ भी ख़राब थोड़ा बहुत ऊँचा नीचा पेंट है या कहीं पर अगर ऊँचा नीचा कहीं पर रफ सर्फेस है उसको इससे हम करेंगे स्मूथ एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप.
सो द सेंडिंग पार्ट इज कम्प्लीटेड एंड आई कैन सी काफी जगह जहाँ पे रफ है जस्ट वहाँ से काफी सारा जो प्राइमर है वो निकला है. सो नाउ इट्स टाइम वी नीड टू क्लीन द एंटायर फ्रेम विद अ क्लीन क्लोथ सो दैट कहीं पे भी डस्ट या जो भी हमने अभी तक सेंडिंग करके निकाला है वो पार्टिकल्स ना रहे बिकॉज नाउ वी विल बी डूइंग द बेस कोट पेंटिंग. सो आई एम यूजिंग दिस ब्लैक कलर एज माई बेस पेंट. तो चलो इस ब्लैक पेंट को फटाफट इसमें स्प्रे करते हैं. तो फ्रेम के ऊपर बेस पेंट हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट एंड एज यू कैन सी इट्स लुकिंग रियली नाइस. यू गाइस कैन सी कि जो फ्रेम है वो पूरी तरीके से देखो ब्लैक हो गया है, ब्लैक हॉर्स जैसा ये पूरा लग रहा है. एंड नाउ इज द टाइम दैट आई विल बी एडिंग ऑल द ग्राफिक्स. इसके ऊपर मैं ग्राफिक्स लगाऊंगा एंड देन वील एड द मेन कलर. सो आई गॉट दीज टू कस्टम नेम्स फॉर माई बाइक. दिस इज माई चैनल नेम CRR एंड दिस इज द बाइक नेम Emotion 1. I'm gonna spray this silver color on top, so let's do that. So as you can see guys, मैंने फ्रेम में पूरी तरीके से इस पे सिल्वर कलर को कर दिया है पेंट. And now I'm gonna wait until this gets dry. So guys, as you can see, during the vinyl removal process, कुछ जगहों पे आप देख सकते हो कि जो पेंट है वो डैमेज हुआ है, like here, and then seat post के यहाँ पे भी देखो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है. So और थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डैमेज इधर भी हुआ है जहाँ पे मैंने नेम लिखा था. So earlier I thought कि मैं इसको पूरे तरीके से ब्लैक रखूँगा कुछ इस तरीके से, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस ब्लैक पोर्शन को भी पूरी तरीके से कर दूंगा सिल्वर कलर. एंड ये जो पूरा यहाँ पे कस्टम नेम डैमेज हुआ है मैं इसको विनाइल से दोबारा लगा के सेम ऐसा कर दूंगा. सो लेट मी क्विकली जस्ट रीपेंट दिस एंटायर सेक्शन जो पूरा डैमेज हो गया है. और इट्स जहाँ जहाँ पे कलर डैमेज हुआ था वहाँ वहाँ पे दोबारा मैंने इस सिल्वर कलर को पेंट कर दिया है. एंड ये पूरा फ्रेम अब एक यूनिफॉर्म सिंगल कलर में है. सो इट्स अ DIY प्रोसेस, सो ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर होना ही है, बट यू विल लर्न समथिंग फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. सो ऑलमोस्ट आफ्टर 4 डेज जो लैकर का कोट था हमारे बाइक के ऊपर जो हमने किया था वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है. एंड जो बाइक है उसमें फिनिशिंग काफ़ी अब अच्छी आ गई है, लैकर पूरी तरीके से सूख चुका है. सो नाउ आई एम गोना बी गोइंग अहेड एंड एडिंग दी स्टिकर्स जो मैंने बनाए थे एंड पहले ख़राब हो गए थे. ये स्टिकर मैंने स्क्रैच करके बनाया था तो दिस इज़ लुकिंग गुड. इसके ऊपर लैकर का कोट पूरी तरीके से जा चुका है. सो हियर इज़ द सेम स्टिकर जो मैं बना के लाया हूँ एंड नाउ वील बी एडिंग इट. तो चलो इसको ऐड करते हैं एंड वील गिव आवर बाइक अ नेम. Thank you.
सो नाउ फाइनली ये फ्रेम हो चुका है पूरी तरीके से रेडी, इसका पेंट पूरी तरीके से सूख चुका है, इसके ऊपर का टॉप कोट लैकर का वो भी पूरी तरीके से सूख चुका है, मैंने इसमें कस्टम डिकैल्स एंड नेम ऐड कर दिए हैं एंड अब मैं इस बाइक को करूंगा असेंबल पहले के जैसे, जिसका पूरा जो वीडियो एंड जो फोटो है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी में दिख जाएगा। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @cycleriderroy। सो आई विल सी यू विद अनदर वीडियो गाइस, टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय एंड आई कैनॉट वेट टू राइड दिस बाइक।